बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो कैसे काम करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? देखो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी मुझे बाहर कर सकती है, लेकिन मेरी मुद्दों को, मेरी भावनाओं को वो कभी मेरे से दिल से बाहर नहीं कर सकती है। और मैं तमाम चीजों को सोचते हुए सोचता हूं कि दिल्ली की जनता के हित के लिए जो भी कार्य करने चाहिए मैं वो सारे कार्य करूंगा। इनको जिम्मेदारी से निभाना है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तो करीब 45 मिनट तक मुलाकात चली, उपराज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे और यह मुलाकात खत्म हो गई है। 45 मिनट तक मुलाकात चली है, भले पार्टी ने निकाल दिया उस पर भी नहीं। लगातार ये कह रहे हैं कि भले पार्टी ने निकाल दिया हो, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको उठा करके मैं लड़ता रहूंगा। तो एक बार फिर से सुनते हैं क्या कहना था विनोद कुमार बिन्नी का। वो अस्थाई लोग जो पिछले 12-13 दिन से सचिवालय के बाहर बैठे हैं, मैंने उनसे कहा, अनुरोध है कि आप उसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि वो लगातार 12-13 दिन से बैठे हैं, उनसे सुनने वाला कोई नहीं है। और जरूर करें, मैंने दिल्ली में घटित हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने कानून का मजाक उड़ाया, महिलाओं के साथ तमाम चीजें हुई हैं, तो उनके लिए भी बात की। उन्होंने कहा कानून अपनी गति से काम कर रहा है, किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नियम कायदों के हिसाब से सारी कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी आदमी हो, हम सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पिछले दिनों कानून का उल्लंघन किया है। एक मैंने जानकारी दी है कि भाई मैं आज वहां जाके अभी जंतर मंतर जा रहा हूँ, उस पर उन्होंने कुछ मुझे एडवाइस भी किया है, कुछ सलाह भी दी है, बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, तो वो मंच के माध्यम से मैं पहुंचूंगा तो जनता के बीच में सार्वजनिक करूंगा। और बाकी तमाम चीजें जो दिल्ली सरकार में घटित हुई हैं, जो जो चीजें हुई है, बहुत लंबी, कम से कम पौने घंटे के लिए बात हुई है, बहुत लंबी चर्चा हुई है। क्या आपने ये भी बताया कि जिन मुद्दों पर आपका मतभेद है पार्टी के कुछ और भी विधायक, उन्हीं मुद्दों पर आपके साथ में इस बारे में भी क्या? नहीं, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं है। सोमनाथ जी के, सोमनाथ जी भारती जी को मैंने बात की है, क्यों उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी की है, अभद्र व्यवहार किया है, कोर्ट ने खुद ये डिसीजन लिया है और पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करेगी, तो उन्होंने कहा है कि पुलिस अपनी गति से काम करेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है किसी चीज से भी, और हम बिल्कुल सख्ती से जो कानून का पालन करेंगे, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होने देंगे, चाहे कोई मंत्री हो चाहे किसी और पद पे हो, हमारे लिए इस कानून की दृष्टि से सब बराबर है। आश्वासन मिला है क्या पार्टी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आ रहा है, कोई संपर्क किया है? धरने को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ मुझे एडवाइस किया है, वो मंच के माध्यम से आपको अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, वो सिर्फ वो आप सत्ता बचाने के लिए कुछ सरकार भी बचाने के लिए नहीं हो। सर मैं बता दूं कि उनकी प्राथमिकता ये है ही नहीं कि सत्ता बचे, उनकी प्राथमिकता ये है ही नहीं कि सरकार चले, उनकी प्राथमिकता यही है ही नहीं कि हम दिल्ली की जनता को जो हमने प्रोमिसेस किए उनको हम पूरा करें। वो तो हर हाल में चाहते हैं सरकार गिन जाए, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं, लेकिन मैं जिम्मेदारी से भागने नहीं दूंगा, हर मुद्दे पर उनके साथ हूं, चाहे मुझे निकालें भगाएं कुछ भी करें, लेकिन मैं हर मुद्दे पर उनके साथ देने वाला हूं। विजय कुमार मल्होत्रा ने यह कहा है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ हमेशा चुनाव लड़ता रहा, मेरी विचारधारा उनसे कभी नहीं मिलती है, मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, आम आदमी पार्टी के लिए काम करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे उन मुद्दों के साथ जो दिल्ली की जनता को अपने प्रोमिसेस किए थे, आपने कहा था कि हम अन्ना जी वाला जन लोकपाल लाएंगे, वो उस पर बात करेंगे, जो बिजली पानी आपने प्रोमिसेस किया उस पर बात करेंगे, आपने महिला सुरक्षा बनाने की बात की उस पर बात करेंगे, और जो आपने तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है वो तमाम चीजों में उनके साथ है। लेकिन लेकिन विनीत जी, आपको आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो कैसे काम करेंगे आम आदमी पार्टी? भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद है। भास्कर, ऐसा लगता है पहली बार हो रहा है, 45 मिनट तक हालांकि लंबी मुलाकात चली है, कि एक विधायक जो कि बागी हुआ है कह रहा है कि सरकार मैं बचाऊंगा और मुख्यमंत्री कह रहे गिरते तो भले गिर जाए। बिल्कुल, देखिए इस बात को लेके कहीं ना कहीं जो विनोद कुमार बिन्नी है और साथ में शोभ इकबाल जो कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक है, इन्होंने ये कहा था कि अगर यही हालत रहा तो हम लोग विधानसभा में सरकार का विरोध करेंगे। तो ये एक कारण बनता है कि अरविंद केजरीवाल ये कहें कि सरकार गिरता है तो गिर जाए, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ विनोद कुमार बिन्नी का ये कहना है कि हम आम आदमी पार्टी के मुद्दों के साथ में है, जनता के जो मुद्दे हैं उनके साथ में है, इसलिए हमें सरकार गिराना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि दिल्ली के लोगों का काम होना चाहिए, और सरकार कहीं ना कहीं बच रही है अपने उन वादों को पूरा करने से जो जनता के बीच किए गए थे, और विधायक होने के नाते हम लोग जनता के बीच जाते हैं, हमसे सवाल पूछे जाते हैं, तो लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि सरकार गिराना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है
कि जो वादे किए गए थे वो पूरे हों। वहीं अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों का मानना है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सरकार विरोधी काम करता है, पार्टी विरोधी काम करता है, उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है और सरकार बेशक चली जाए।